जी, विज्ञान के नियमों के अनुसार हम पिछले जन्म की बातें याद नहीं कर पाते, पर कई लोग ऐसे भी जन्म लिए हैं जो इस नियम को तोड़ चुके हैं। किसी के लिए ये याद कोई भूला हुआ एक सपना जैसा है, कोई नई शब्द, कोई अनजानी महक या किसी नई जगह की तस्वीर हमें जैसा कुछ याद दिलाना चाहता है, पर हम याद नहीं कर पाते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पिछले जन्म की सारे घटनाएं साफ साफ याद रहता है। एप्पल कंप्यूटर्स के प्रतिष्ठाता स्टीव जॉब्स भी ये मानते थे कि उनका भी एक पिछला जन्म था और वो पिछले जन्म में एक फाइटर पायलट थे। तो दोस्तों, इसीलिए आज मैं लेके आया हूँ 5 ऐसे ही और पुनर्जन्म की कहानी जिन्हें बहुत प्रचेष्टा के बाद भी विज्ञान गलत प्रमाणित नहीं कर पाया। नंबर 5, पुनर्जन्म लेके अपने कातिल को पकड़ना। ये कहानी इस लिस्ट में 5 नंबर पे इसीलिए आया क्योंकि जिनको लेके ये कहानी है उनको ढूंढना मुमकिन नहीं है और उनका नाम भी पता नहीं चलता, क्योंकि उनके डॉक्टर ने बहुत सालों बाद ये कहानी पत्रकारों तक पहुंचाया था। इसराइल की गोलन हाइट्स के एक 3 साल के बच्चे को जब डॉक्टर एलाई लैश के पास लाया गया था, तब डॉक्टर लैश ने देखे कि उस बच्चे के सर पे एक अजीब सा दाग था, जैसे कोई पुराना जख्म। उसके बारे में जब उनके माँ बाप से पूछा गया तो उन्होंने बोले कि जन्म से ही बच्चे के सर पे ये दाग था। पर बच्चे से ये पूछा गया तो उसने कहा कि पिछले जन्म में उसके एक पड़ोसी ने कुठारी से सर पे मार के उसकी हत्या कर दिया था और लाश को एक गुप्त जगह में दफना दिया था। डॉक्टर एलाई ने खुद से इस कहानी को इन्वेस्टिगेट करने लगे। फिर एक दिन उन्होंने उस बच्चे को उसके कहानी से मिलने वाले एक गाँव में लेके गए। बच्चे ने तुरंत उस जगह को पहचान लिया और अपने पिछले जीवन के उस पड़ोसी को ढूंढ निकाला। उनके सामने जाके बोला, मैं तुम्हारे पड़ोसी था, हमारे बीच एक दिन झगड़ा हुआ और तुमने मुझे मार डाला था। उस बच्चे ने फिर सबको उस जगह भी लेके गया जहाँ पे उसके लाश को दफनाया गया था और जमीन खोदने पे सचमुच एक कंकाल निकला और वो पड़ोसी ने भी अपना गुनाह कबूल किया। नंबर 4, प्रमोद शर्मा। उत्तर प्रदेश के बिसाउली में 1944 में जन्म लेने वाले प्रमोद शर्मा की कहानी है ये। जब वो सिर्फ 2 साल के थे तब वो अपने माँ से कहे कि मुरादाबाद में उनकी बीवी है जिसे खाना पकाना आता है, तो माँ को खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है। वो और भी बोलने लगे कि उनका एक बिजनेस था मोहन ब्रदर्स के नाम से, जहाँ वो बिस्किट और पानी बेचते थे। 3 साल के प्रमोद अपने दुकान के मिनिएचर बनाते थे और मिट्टी से बिस्किट बना के खेलते थे। बोलते थे कि अपनी पुरानी जिंदगी में वो अमीर थे और इतनी गरीबी में रहना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और वो ये भी बताते थे कि दही खाने से और पानी में डुबकी लगाने से उनको बहुत डर लगता है। प्रमोद थोड़ा बड़ा होने के बाद उनके माँ बाप उनको मुरादाबाद लेके गए उनकी बात सच है कि नहीं जानने के लिए, और वहाँ जाके उनको सच में ही एक मोहन ब्रदर्स की दुकान मिला जहाँ पे कुकीज और सोडा बेचे जाते थे। और उस दुकान के मालिक परमानंद मेहरा एक दिन दही खा के नहा रहे थे, तब दही से होने वाले पेरिटोनाइटिस से वो बहुत बीमार पड़ गए और नहाते समय ही उनकी मौत हो गई। नंबर 3, गस टेलर। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले ऑगस्ट टेलर की मौत के 1 साल बाद उनके पोते की जन्म हुआ और नाम रखा गया गस टेलर। जब 1.5 साल की गस ने बात करना सीखा तो वो सबको बोलने लगे कि वो असल में ऑगस्ट टेलर है, उनके दादाजी। पर सब ने हंस के उड़ा दिया एक बच्चे की कल्पना समझ के। पर एक दिन जब उनके घर की सफाई चल रहा था तब पुराना एक फैमिली एल्बम से एक गाड़ी की तस्वीर देख के वो बोलने लगे कि ये गाड़ी उनकी है। वो गाड़ी ऑगस्ट टेलर की पहली गाड़ी थी और उससे बहुत लगाव था उनका। घर के सब लोग हैरान हो गए, तो फिर से परीक्षा करने के लिए गस को और एक बहुत पुराना तस्वीर दिखाया गया जिसमें कुछ बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में थे, लेकिन गस उनमें से एक झलक में ही खुद को यानी अपनी दादाजी को पहचान लिया। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गस ने सबको बोला कि उनकी एक बहन थी जो मछली बन गई थी। और ये बात सुन के घर के लोगों में और कोई संदेह नहीं रहा कि गस ही है उनके दादाजी ऑगस्ट, क्योंकि ऑगस्ट टेलर जब छोटे थे तब उनके बहन को किसी ने कत्ल करके नदी में फेंक दिया था और छोटे से ऑगस्ट को ये समझाया गया था कि उनके बहन मछली बन गई थी। नंबर 2, शांति देवी। 1926 में दिल्ली शहर में जन्म लेने वाले शांति देवी 4 साल की उम्र तक ठीक से बात नहीं कर पाते थे, पर वो जब बात करने लगे तो सबसे बस एक ही विषय में बोलते थे कि उनका नाम लुगड़ी है, घर मथुरा में है, उनका एक पति और 3 संतान हैं और आखिरी संतान को जन्म देने के 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके टीचर ने ये सुन के उनके पति का नाम पूछा तो उन्होंने बताया पंडित केदारनाथ चौबे। टीचर जी ने फिर खोज लगाया और उनको आखिर में मिल भी गया मथुरा के पंडित केदारनाथ चौबे। तो उन्होंने चौबे जी को खत लिखा जिसके जवाब में चौबे जी ने लिखा कि
कि सचमुच उनकी बीवी का नाम लुगड़ी था और संतान को जन्म देने के 10 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत समझाने पे केदारनाथ दिल्ली आने के लिए राजी हुए और जब मिलने आए शांति देवी से तब उन्होंने खुद को अपना बड़ा भाई बताया शांति देवी की परीक्षा लेने के लिए, पर शांति देवी ने झट से ही उनको पहचान लिया। शांति देवी की कहानी पहले दिल्ली, फिर भारत और फिर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। वो इतना मशहूर हुए कि महात्मा गांधी जी खुद उनसे मिलने आए उनकी कहानी परखने के लिए, पर गांधी जी भी हैरान हो गए पूरी बातें सुनके। तो उन्होंने 15 लोगों का एक कमेटी लगाया जो इस कहानी को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। उस कमेटी ने शांति देवी और उनकी कहानी को पूरी तरह से जांच परख के इस सिद्धांत पे आए कि शांति देवी सच बोल रहे थे और ये शायद दुनिया की पहली एक पुनर्जन्म की कहानी है जो सच प्रमाणित हुआ था। और नंबर एक, जेम्स अर्थर फ्लावर ड्यू। इंग्लैंड के नॉरफोक में 1906 में जन्म लेने वाले जेम्स अर्थर फ्लावर ड्यू ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे याद को लेके बिताए जो कहां से आया उन्हें मालूम भी नहीं था, पर बार बार सपने में वो देखते थे कि वो एक शहर में है जो एक रेगिस्तान के बीच में था और शहर की एक तरफ था एक पहाड़ी जिसको काट के एक मंदिर बनाया गया था। एक दिन बीबीसी पे एक डॉक्यूमेंट्री देख के वो हैरान हो गए, जिस शहर की याद उन्हें आता था वो उनके सामने था। जॉर्डन के एक प्राचीन शहर पेट्रा पे था वो डॉक्यूमेंट्री। उन्होंने तुरंत बीबीसी को फोन किया और बीबीसी ने ये खबर पेट्रा में काम करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट यानी भूतत्वविदों को दिया। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट उनके पास आके पेट्रा के बारे में बहुत सारे सवाल किए और मिस्टर फ्लावर ड्यू भी सभी सवालों का सही सही जवाब दिया। एक आम आदमी के लिए ये सब जान पाना नामुमकिन था क्योंकि वो शहर पे एक्सकेवेशन की काम तभी भी चल रहा था और उस पे कोई किताब भी नहीं लिखा गया था। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर फ्लावर ड्यू को पेट्रा लेके गए और वहाँ जाके उनको सब कुछ पूरी तरह से याद आ गया, कौन सी जगह का क्या नाम था, किस काम के लिए था और कौन कौन सी जगह पे खोदने से शहर के बाकी भागों का पता चलेगा। एक अनजान वस्तु जिसे साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे उसको भी सुलझा दिया उन्होंने और सभी सच ही निकला। इससे उन आर्कियोलॉजिस्ट इस सिद्धांत पे आए कि मिस्टर फ्लावर ड्यू सच में ही उसी शहर में थे, क्योंकि किसी भी और को उतना डिटेल में उस शहर के बारे में पता नहीं था। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 पुनर्जन्म की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।